देखिए 23 का 2 नंबर, एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन को 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए, यहाँ पर मैं ये धरती का तल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं एक पेडेस्टल खड़ा कर देता हूँ। ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब होता है चबूतरा टाइप का, जिस पर मूर्तियां लगाई जाती है ना, चौराहे पे देखते हैं ना, उसी टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये चबूतरा टाइप का हो गया, और इसी के ऊपर एक मूर्ति खड़ी है। थोड़ा मैं ये चौड़ा कर देता हूँ पेडेस्टल को। अब इस पर एक मूर्ति खड़ी है 1.6 मीटर ऊंची। चलिए, समझ गए ना, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति हो गई 1.6 मीटर ऊंची। इसका नाम ए देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, और ये डी दे देते हैं। ये सीधी आपकी मूर्ति है, ठीक है। जमीन के एक बिंदु से, मान लेते हैं ए बिंदु से, यहाँ से उन्नयन कोण जो है ना, किसका, मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ डी बिंदु पर, ये आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से यानी ए बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ का कितना है, 45 डिग्री है। यह आपका 45 डिग्री है, यहाँ आपका 45 डिग्री दिया है, और यह टोटल 60 डिग्री दिया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई एक्स है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में एक्स, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर पेडेस्टल के पाद से भूमि के बिंदु की दूरी, भूमि भूमि पर बिंदु ए की दूरी वाई मान लेते हैं, यह दूरी क्या है, वाई है, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे टेन ही लगाएंगे ना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिए, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में टेन 45 लेंगे, टेन 45 बराबर में हो जाएगा बी सी बटा में ए बी। टेन 45 1 है, यह एक्स बटा में वाई, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में आओ, ठीक है, टेन 60 लेंगे, तो टेन 60 बराबर में बी डी बटा में ए बी हो जाएगा। टेन 60 बराबर में कितना होता है, √3। बी डी का वैल्यू एक्स प्लस 1.6 और ए बी का वैल्यू है वाई, तो वाई तो एक्स के बराबर है, तो वाई को हटा के मैं एक्स लिख देता हूँ, √3 बराबर में एक्स प्लस 1.6 और बटा में एक्स, ऐसे दे सकते हैं ना। चलिए, ये आके इधर इंटू करेगा, तो √3 एक्स बराबर में हो जाएगा एक्स प्लस 1.6, ठीक है। अब देखो, इसको इधर लाके एक्स को घटाते हैं, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 एक्स, मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस एक्स बराबर में 1.6। √3 एक्स को कॉमन करते हैं, √3 माइनस 1 इंटू एक्स बराबर में 1.6, एक्स बराबर में आ जाएगा 1.6 और बटा में √3 माइनस 1, तो एक्स बराबर में 1.6 बटा में √3 माइनस 1 इंटू कर देंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी और नीचे भी। चलिए, अब देखिए क्या होता है, एक्स बराबर में 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 और नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। एक्स बराबर में 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, 2 से इसको काट देंगे 0.8, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 0.8, यहाँ √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस में 1, इन दोनों को जोड़कर 0.8 में इंटू कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 0.8 और इंटू में 2.732, इन दोनों में गुना करोगे तो 2.18 मीटर लगभग में ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं, तो इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 2.18 मीटर, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर